गुड इवनिंग एवरीबडी। मिल रहे हैं हम लोग बहुत दिन बाद चैनल पर, और आज है बेटा विशेष, क्योंकि आज हम आपके लिए आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और बेटा आज का स्पेशल है, हम सबसे पहले करेंगे बेटा ईआईएस के इंपॉर्टेंट, उसके बाद करेंगे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम करेंगे ओल्ड कोर्स में सीआईपीसीसी में आईटी के इंपॉर्टेंट, और सबसे लास्ट में हम करेंगे बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं बेटा। गुरु कृपा फोटोकॉपी वाला बच्चा आ गया है, कैसे है बेटा? हरमीत कौर गुड इवनिंग, राया सिंह गुड इवनिंग, हेलो बेटा, हेलो, कैसे हैं सब लोग? तो चलिए बच्चा लोग शुरू करें बेटा, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है बेटा। आओ फटाफट से नोट करना शुरू करते हैं बेटा हम लोग, आइए फटाफट नोट करना शुरू करते हैं। संकेत गुड आफ्टरनून, कशिश, मनीषा, रामकुमार, मोहम्मद ताफिक अहमद, सौरभ गोयल, चले आओ बेटा फटाफट से चले आओ, शुरू कर रहे हैं बेटा अपन ईआईएस के इंपॉर्टेंट, नोट करना शुरू करेंगे बेटा। गुड इवनिंग बेटा सभी को, मेगा जुलका, चलो फटाफट आ जाओ बेटा। आदित्य दीक्षित फटाफट चले आओ बेटा। चलिए शुरू करें, ओके। चैप्टर नंबर वन बेटा नोट करते चले अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर May 21 एग्जाम विच इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 5th of July बेटा, 5 जुलाई से जो होने जा रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बेटा हम आपको। ओल्ड कोर्स के भी बताएंगे बेटा, अभी पहले न्यू कोर्स के बताएंगे फिर ओल्ड कोर्स के बताएंगे। रितेश ओल्ड कोर्स के बताएंगे बेटा। चलिए चैप्टर नंबर वन ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस बेटा, नोट करना शुरू करें बेटा। मैं इस बार कलर लेने जा रहा हूं इसका, दिस वन। चलिए इस कलर से बेटा अपन नोट करेंगे, आइए इस कलर से नोट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखें एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की 3 E's, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी बेटा, ये एमसीक्यू के लिए याद करें, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल। ओल्ड कोर्स के लिए इसके बाद आएगा, अभी न्यू कोर्स के लिए है, इसके बाद रितेश ओल्ड कोर्स का आएगा, अभी केवल न्यू कोर्स के लिए है, उसके बाद ओल्ड कोर्स का आएगा, पर आज सबका है, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स सभी को बताएंगे बेटा, सभी को बताएंगे। चलिए पहला आपने देख लिया एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करें, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस बेटा इंपॉर्टेंट है May 21 के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर May 21। 3 कैटेगरी होती है बेटा, ऑपरेशनल, सपोर्टिंग और मैनेजमेंट, नोट करें ऑपरेशनल, सपोर्टिंग, मैनेजमेंट, नोट करते चले, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाइए बेटा, चलिए नोट करिए। पहला सवाल कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये पूरा सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे चले बेटा। सेकंड, फैक्टर्स इफेक्टिंग बीपीएस सक्सेस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर May 21, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर May 21, नोट करते चले बेटा। अगला सवाल ये आ चुका बेटा, ये जनवरी में आ चुका, हमने इंपॉर्टेंट बताया था बेनिफिट्स, ये आ चुका है इसको नहीं करना है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटिंग बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, इसको नोट करें बेटा, 8 स्टेप होते हैं, May 21 के लिए 8 स्टेप को नोट करें May 21 का सवाल बेटा। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं स्मार्ट, द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर स्मार्ट, May 21 स्मार्ट है,
नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क जो है ये मई 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ रिस्क जो है वो मई 21 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आप जरूर देखेंगे, इस पे आप सवाल जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। पूरा रिस्क अपने को करना है बेटा, पूरा रिस्क। तीन तरीके के रिस्क है, रिस्क रिलेटेड टर्म्स बेटा करना है ये हमें मई 21 के लिए, इंपॉर्टेंट है मई 21 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ये भी करें अपन मई 21 के लिए, मई 21 के लिए इसे भी करें। रिस्क स्ट्रैटेजीज पांच तरीके की होती हैं, टॉलरेट, टर्मिनेट, ट्रांसफर, ट्रीट और टर्न बैक। आगे बढ़े, तीन तरीके के कंट्रोल है, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड। मई 21 इंपॉर्टेंट है ये, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल आईटीजीसी, आईटीजीसी मई 21 इंपॉर्टेंट है, नोट करें बेटा नोट करें। आईटीजीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, नोट करें बेटा फटाफट से नोट करते चलें। मई 21 के लिए जो जुलाई में एग्जाम होने जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, फटाफट नोट करते चलें। नेक्स्ट है फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल मई 21। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल मई 21, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल मई 21। बेनिफिट्स ऑफ रिस्क एंटरप्राइज मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ रिस्क बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मई 21। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, आठ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं बेटा, वो था इंटरनल एनवायरमेंट जिसमें पांच कंपोनेंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जिसमें आठ कंपोनेंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले बेटा। पांच इंटरनल कंपोनेंट के एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है और आठ इंटर रिलेटेड फ्रेमवर्क के कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पिछली बार भी आया था इस बार भी आएगा, तो बेटा नोट करें फ्लो चार्ट आएगा मई 21। और बेटा जो आपको हमने फ्लो चार्ट की क्लास से करवाई है, जो हमने आपको फ्लो चार्ट की क्लास से कराई है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और इस चैनल पे भी बेटा अवेलेबल है, इस चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उनको भी करते चले। मैथिली गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फटाफट से नोट करते चलो। जो लोग लेट आए बेटा इसको बाद में वापस से देख लेना, अब यहां से नोट करते चले, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए फटाफट से बेटा नोट करते चले मई 21 के लिए। आपको फ्लो चार्ट करके जाना है बेटा, एक प्रैक्टिकल सवाल जरूर आएगा, पिछली बार भी हमने कहा था बेटा आया। इसके साथ साथ ये एडवांटेज वाला हिस्सा भी कर ले बेटा मई 21 एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर ले, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर ले बेटा, ये भी आ सकता है। फ्लो चार्ट के सवाल हम सारे करवा चुके हैं आपको, फ्लो चार्ट के सारे सवाल करवा चुके हैं हम आपको, फ्लो चार्ट के सारे सवाल करवा चुके हैं हम आपको। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जिससे सवाल आएगा, रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। हमने आपको छह प्रोसेस कराए बेटा मास्टर ट्रांजेक्शन फाइल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आएगा बेटा इस बार मई 21 के लिए। छह प्रोसेस हैं, O2C, P2P, फिक्स एसेट, जनरल लेजर, बेटा इनमें से एक सवाल आएगा। और हमने आपको दो PDF पेजेस दे रखे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अनअकैडमी के, आप
को इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा बेटा मैं, उनको आप कर लेना। मास्टर ट्रांजेक्शन फाइल के दो पेजेस से आपके करीब 17-18 पेजेस का काम हो जाएगा, 17-18 पेजेस का काम आ जाएगा। 6 प्रोसेस है बेटा, ऑपरेशनल के 2, सपोर्टिंग के 2 और मैनेजमेंट के 2 प्रोसेस होते हैं। मैनेजमेंट के 2 प्रोसेस होते हैं। मैनेजमेंट के 2 होते हैं बेटा, क्लियर है आपको? क्लियर है मास्टर और ट्रांजेक्शन के बेटा, मास्टर और ट्रांजेक्शन, ये करीब करीब 17 पेजेस, ये करीब करीब 17 पेजेस आपको बेटा यहां मिलेंगे, करीब करीब 17 पेजेस आपको यहां मिलेंगे। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इसमें अपने को 2 सेक्शन करने हैं, 134 कंपनी एक्ट का 2 सेक्शन करने हैं, 134 एंड 143। आपको आता है बेटा लॉ में, तो इसको मैं छोड़ सकता हूं, ये लॉ में जानते हैं। जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, वो है आईसीआई गाइडेंस नोट और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बेटा आएगा मई 21 में, तो आप इसे करके जाएं मई 21 में। गाइडेंस नोट का सवाल, गाइडेंस नोट का सवाल जरूर करके जाए बेटा, ये आ सकता है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, 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 प्रस्पेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, प्रस्पेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया बेटा ये जरूर करें, प्रस्पेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया मई 21। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन एक्ट, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन एक्ट मई 21, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एसपीडीआई पूछे जाने की संभावना है। इस समय वर्चुअल टेस्ट भी ले रहा हूं बेटा मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, 1 तारीख से फिर से शुरू होंगे वे, और कल 2 टेस्ट योर नॉलेज के सेशन है जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के केस स्टडीज को कैसे लिखा जाता है वो आप सीखेंगे, 2:30 से 3:30 बजे और रात को 10 से 11 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा बेटा आपको मिल रही है अनअकैडमी पे। इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बेटा, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, चलते हैं सीधा चैप्टर 2 पे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 करेंगे बेटा हम। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए नोट करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्री डिफरेंट पर्संस कैसे देखते हैं, एमसीक्यू का सवाल है। 3 डिफरेंट व्यूज, अकाउंटेंट व्यू, ऑडिटर्स व्यू, बिजनेस एंड ओनर्स व्यू। अकाउंटेंट व्यू, ऑडिटर्स व्यू और बिजनेस मैनेजर एंड ओनर्स व्यू, 3 व्यू देख रहे हैं आप, 3 व्यू ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल नहीं है, एमसीक्यू में आएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा मई 21, 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 ये सवाल है, टाइप्स ऑफ डेटा मई 21। वाउचर टाइप्स भी कर लेना, 17 प्रकार के वाउचर टाइप्स है कर लेना। जनवरी 21, जनवरी नहीं, मई, मैं जनवरी लिख गया, मई लिखेंगे बेटा इसको, इसको लिखेंगे मई। वाउचर टाइप्स आ सकते हैं आपसे मई में। अकाउंटिंग फ्लो आएगा बेटा मई में। अकाउंटिंग फ्लो आएगा मई में। चलिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे सवाल आ सकता है, फ्रंट एंड और बैक एंड पे सवाल आ सकता है, फ्रंट एंड और बैक एंड पे सवाल आ सकता है। ये सवाल पिछली बार आ गया, ये नहीं करना है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड पे सवाल आ चुका है, इसको नहीं करना है बेटा अपने को, ये नहीं आएगा, पिछली बार पूछ लिया गया, ये नहीं आएगा।
इस पे सवाल आ गया ये नहीं आएगा। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, रिस्क एंड कंट्रोल इन द ईआरपी एनवायरमेंट, रिस्क एंड कंट्रोल इन द ईआरपी एनवायरमेंट, रिस्क एंड कंट्रोल इन ईआरपी एनवायरमेंट, सेंट्रल डेटाबेस के साथ वाले रिस्क बेटा करेंगे अपन। और खास तौर से पांच चीजें बेटा अमेंड हुई है, इसमें से तो जरूर सवाल आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद करेंगे अपन ये वाला सवाल, क्वेश्चंस ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग द ईडीपी ऑडिट, क्वेश्चंस ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग द ईडीपी ऑडिट, बड़ा फेवरेट सवाल है बेटा, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, May 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, May 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला सवाल इससे जरूर आएगा, कोई ना कोई एक बिजनेस प्रोसेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में हो सकता है बेटा, ठीक है, 11 मॉड्यूल है, कुछ मॉड्यूल पे सवाल हो सकता है 4 से 6 नंबर का, तो उसको आप करेंगे, उसको आप करेंगे, उसको आप करेंगे। मैं बता देता हूं बेटा कौन कौन से करने हैं आपको इंपॉर्टेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला करें, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला करें बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला करें, मटेरियल मैनेजमेंट वाला करें, प्लांट मेंटेनेंस वाला करें, सप्लाई चेन वाला करें, और सीआरएम करें बेटा। टोटल 11 मॉड्यूल है, मैं केवल कुछ ही बता रहा हूं जो आपको करने हैं, इनको करने से आपका काम हो जाएगा बेटा, इनको करने से आपका काम हो जाएगा, केवल यही मॉड्यूल करें जो मैंने बताए बेटा, उनको करें आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे इसमें 4 क्राइटेरिया जो एमआईएस को मीट करते हैं, 4 क्राइटेरिया रेट्स जो एमआईएस को मीट करते हैं May 21, 4 क्राइटेरिया जो एमआईएस को मीट करते हैं May 21। डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये बेटा दोनों ही करने हैं हमारे को, ये दोनों ही करने हैं, ये दोनों ही करने हैं हमारे को, ये दोनों ही करने हैं, ये दोनों ही करने हैं हमारे को। बेनिफिट्स ऑफ डेटा इंटेलिजेंस भी अलग से आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ डेटा इंटेलिजेंस अलग से भी आ सकता है। XBRL, XBRL पे भी सवाल हो सकता है, टैगिंग क्या होती है और XBRL के यूजर्स कौन है, XBRL पे भी सवाल हो सकता है। उसके बाद एक सवाल हो सकता है ये, प्रोज एंड कॉन्स हैविंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग, May 21, May 21 पे सवाल हो सकता है, May 21 पे सवाल हो सकता है ये। चैप्टर नंबर 3, अब देखें बेटा चैप्टर नंबर 3 को, अपन चैप्टर नंबर 3 को देखें, लेट अस सी द चैप्टर नंबर 3 नाउ, अब देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं बेटा अपन, चैप्टर नंबर 3 को देख रहे हैं अब हम, लेट अस नाउ सी द चैप्टर नंबर 3। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कॉम्पोनेंट। पहला सवाल जो पूछा जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम,
कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सवाल हम देखेंगे। इसमें पिछली बार वर्चुअल मेमोरी पे और सेकेंडरी मेमोरी पे सवाल आ चुका है, वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे आ चुका है। इसको छोड़ के बाकी करके जाना है, इसको छोड़ के बाकी को करके जाना है। पांच कंपोनेंट है, ब्रीफली बताओ, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्किंग, डायग्राम बना के सवाल आ सकता है। तो इस तरीके के सवाल करने हैं अपने को। सेकेंडरी और वर्चुअल मेमोरी छोड़ देना, ये पिछली बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटीज, वेराइटीज ऑफ एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय द ओएस, ओएस ने जो काम किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्टिविटी करता है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्टिविटी करता है वो। उसके बाद चार डेटाबेसेस आपको मालूम है, हायरार्किकल नेटवर्क, प्रोमिनेंट डेटाबेस, प्रोमिनेंट डेटाबेस करेंगे बेटा, प्रोमिनेंट डेटाबेस, हायरार्किकल नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चार प्रकार के डेटाबेस करेंगे। इसके बाद में हमारे पास कुछ नए कंसेप्ट हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे बिग डेटा में ईटीएल प्रोसेस छोड़ सकते हैं आप। ईटीएल पिछली बार आ गया, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग आ गया, बिग डेटा क्या होता है उस पर सवाल हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग पर सवाल आ सकता है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, इस पर आप करें, चार बेसिक इश्यूज हैं, इन पे चार बेसिक इश्यूज हैं। मई 21 में आ सकता है एग्जाम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल में पिछली बार मैनेजरियल पे आ चुका है, मैंने बताया था। इस बार आप एप्लीकेशन कंट्रोल करके जाइए, सवाल जरूर आएगा। मैनेजरियल छोड़ सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल पे कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। तो कंट्रोल में आप एप्लीकेशन कंट्रोल करिए, वैसे तो कंट्रोल पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल पे विशेष तौर से सवाल आने की संभावना है। छह प्रकार के कंट्रोल होते हैं, आपको पता है कौन से छह कंट्रोल है हमारे, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल। तो बेटा ये करके जाना है आपको, इसे हमें करना है। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। इसके बाद हम सवाल करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। इसमें है बेटा टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, मई 21 में करना है अपने को, टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, ये करेंगे अपन। ऑडिट ट्रेल में एक पॉइंट मुझे लगता है जो पूछना चाहिए एग्जामिनर को, काफी टाइम से ड्यू है, वो है ये इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मई 21 में। मैनेजरल कंट्रोल पिछली बार आ गए हैं, नहीं आएंगे, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल करने हैं। मैनेजरल कंट्रोल आप छोड़ सकते हैं, यू हैव टू डू द एप्लीकेशन कंट्रोल। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में स्ट्रक्चर पे सवाल आ सकता है बेटा। तो आप इसको करके जाएं मई 21। और लास्ट टॉपिक इसका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, SOD, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे छोटा बड़ा कोई सवाल हो सकता है, तो हम तैयार करेंगे SOD को, हम तैयार करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को मई 21 के लिए, हम तैयार करेंगे सवाल मई 21 के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये खत्म होता है चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, दो चैप्टर और बचते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेंगे,
उसके बाद अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 में नोट करा देता हूं आपको, उसके बाद में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लेने जा रहा हूं। तो नोट करें बेटा, चैप्टर नंबर 4 में क्या है सवाल, ग्रीन कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स कॉम्पोनेंट पर चीजें आ चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल पूछा जा सकता है हमसे, वो पूछा जा सकता है हमसे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, इस पे सवाल आएगा, इस पर सवाल आएगा, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स पे सवाल आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉमर्स और एम कॉमर्स। नेक्स्ट आएगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, May 21, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। उसके बाद ई कॉमर्स के मॉडल पे ये नया जुड़ा है, तो इस पे बनने की पूरी संभावना है, इस पे बनने की पूरी संभावना है, 9 मॉडल्स हैं इसमें, बनने की पूरी संभावना है। कंपोनेंट पे पिछली बार सवाल आ गया, 2 चीजों पे सवाल आ गया इसलिए नहीं बनेगा, 2 चीजों पे सवाल आ चुका है, 2 चीजों पे सवाल आ चुका है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर May 21, आर्किटेक्चर May 21, आर्किटेक्चर May 21, 2 tier 3 tier, 2 tier 3 tier, इस पे सवाल बन सकता है, 2 tier 3 tier पे सवाल बन सकता है। रिस्क एंड कंट्रोल, यस, गुड सवाल, रिस्क एंड कंट्रोल, ये काफी टाइम से नहीं पूछा गया है, रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क है बेटा 15 प्रकार की, 5-6 आप कर लेना, और खास तौर से ये सवाल, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स फ्रॉम इंट्रूजन, प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इंट्रूजन। गाइडलाइंस, बहुत अच्छा सवाल, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस पर सवाल बनेगा, गाइडलाइन पर सवाल बनेगा, और खास तौर से 2 स्पेशल लॉ, आईटी एक्ट और आईटी एक्ट, 2 सवाल और, बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। डिजिटल पेमेंट पे पिछली बार सवाल आ गया, भीम और यूएसएसडी, डिजिटल पेमेंट छोड़ सकते हैं आप, ई कॉमर्स के कंपोनेंट छोड़ सकते हैं, डिजिटल पेमेंट छोड़ सकते हैं, इन पे सवाल आ गया। अब आ जाएं वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के बाद करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग नवंबर में आ रहा है वह, लेकिन अब आ सकता है May 21 में, क्योंकि बीच में जनवरी का एग्जाम हो गया ऑप्ट आउट वाला, तो जनवरी का एग्जाम हो चुका है इसलिए May 21 के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इस पे तो बेटा बहुत ही संभावना है इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट May 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट May 21 बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, और इस पे कुछ सवाल आ सकता है बेटा, सर्विस मॉडल है, कैरेक्टरिस्टिक है, 4 तरीके के क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट है, तो क्लाउड पे बेटा सवाल इस बार जरूर आएगा, याद रखना मेरी बात बेटा, आज है 30 मई, एग्जाम आपके जब भी होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक सवाल जरूर देखने जा रहे हो बेटा आप, क्लाउड कंप्यूटिंग पे देखोगे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद में ग्रीन कंप्यूटिंग पे आ गया बेटा सवाल, ग्रीन कंप्यूटिंग पे सवाल आ गया, ग्रीन कंप्यूटिंग पे सवाल आ गया, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रीन कंप्यूटिंग के बाद अगला सवाल, ग्रीन कंप्यूटिंग के बाद अगला सवाल, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है, पूछे जाने योग्य, May 21, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, पूरा ही सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सवाल बन सकता है आईओटी पे, गुड क्वेश्चन, आईओटी,
आईओटी इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आईओटी पे सवाल बन सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एआई और एआई और मशीन लर्निंग दोनों कर सकते हैं बेटा, एआई और मशीन लर्निंग दोनों कर सकते हैं, एक कोई कर लो बेटा, दोनों पे सवाल आ सकता है। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 4। बस अब पांचवा चैप्टर खत्म करते ही अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बताएंगे बेटा, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बताने जा रहे हैं आपको। चैप्टर खत्म होते ही हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बताएंगे आपको, पांचवा चैप्टर अगले 2-3 मिनटों में, उसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, हम बताएंगे आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। इस यूनिट से एक तो मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल आया और एक मॉर्गेज लोन, तो अब बाकी क्या बच गया वो देखते हैं बेटा अपन, बाकी क्या बच गया वो आपको बताते हैं बेटा। ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज May 21 में 9 प्रकार के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, इस पे सवाल बनेगा, इस पे सवाल बनेगा, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे सवाल बनेगा, मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे सवाल बनेगा। उसके बाद फ्रंट एंड एंड बैक एंड में, ये जो सवाल है बेटा फ्रंट एंड एंड बैक एंड में, इस पे सवाल बनेगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे जो है इस पे सवाल बनेगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे सवाल बनेगा। की एस्पेक्ट टू बी बिल्ट इनटू आर्किटेक्चर, की एस्पेक्ट टू बी बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर, ये इस पे सवाल बन सकता है। उसके बाद आता है सीबीएस आईटी एनवायरमेंट, 8 सर्वर हैं, इनको करना है हमें। देर आर 8 सर्वर्स, एप्लीकेशन डेटाबेस प्रॉक्सी एंड सो ऑन, ये हमें करना है। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। नेक्स्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस, 3 तरीके की रिस्क हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस 3 तरीके की रिस्क हैं। देन वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी May 21 के लिए। टेबल है बेटा, टेबल का तरीका मैंने बता रखा है आपको कैसे करने का है, टेबल का तरीका मैंने बता रखा है आपको। बस हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। कुल मिला के बेटा, कुल मिला के 5-6 प्रोसेस है, कासा है, क्रेडिट कार्ड है, लोन और एडवांसेस है, मॉर्गेज प्रोसेस है, ट्रेजरी है बेटा। इनमें से एक सवाल हर बार आता है, तो बेटा एक सवाल आ चुका है आपका मॉर्गेज वाला, आपका सवाल मॉर्गेज का आ चुका है बेटा। तो मैंने पिछली बार भी इंपॉर्टेंट बताया था, मैं इस बार फिर बता रहा हूं बेटा, मॉर्गेज को छोड़ के, मैं मॉर्गेज को छोड़ के बाकी बता रहा हूं बेटा, कासा कर लें, क्रेडिट कार्ड कर लें, लोन और एडवांसेस कर लें, ट्रेजरी प्रोसेस कर लें, मॉर्गेज को छोड़ दे बेटा, कोई ना कोई एक सवाल जरूर देखोगे। कौन सा बेटा? सीबीएस कोर बिजनेस प्रोसेस जरूर देखोगे आप। ये बेटा इनमें से एक सवाल हर बार आता है एग्जाम में, कहने की जरूरत ही नहीं हमें, एक सवाल इनमें से जरूर आएगा। दे आर रिस्क एंड कंट्रोल, और मैंने बेटा इसका एक सिंगल रिस्क और कंट्रोल का बेटा आपको एक कॉमन डायग्राम बना के बताया हुआ है, स्केच डायग्राम बेटा, ध्यान आ रहा हो आप सबको? तो वो अपने को करना है, वो अपने को करना है। तो मॉर्गेज को छोड़ के बाकी सब प्रोसेस करेंगे हम लोग, मॉर्गेज को छोड़ के बाकी सब प्रोसेस करेंगे, मॉर्गेज को छोड़ के बाकी सब प्रोसेस करेंगे हम। मनी लॉन्ड्रिंग पिछली बार आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना है अपने को, मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग आ चुका है। अब आप खास तौर से करें बेटा, ये अमेंड हुआ है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें आपको सेक्शन 3, 12, 13, 63, 70 सब करके जाना है, कोई ना कोई सवाल केस सिनारियो पे या कहीं और देखेंगे। और फिर आप की प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट करेंगे, बस खत्म होता है हमारा। अब हम लोग करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मई 21 के लिए। तो ये खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 5, की प्रोविजंस कर दिया हमने, की प्रोविजन कर दिया। अब इस स्ट्रीम को अपन एंड कर रहे हैं बेटा, अगली स्ट्रीम को मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सवाल आएंगे। सीए इंटर के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सवाल होंगे, सीए इंटर के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सवाल होंगे सीए। अब बेटा इस स्ट्रीम को मैं कर रहा हूं एंड, आप अगली स्ट्रीम में जुड़िए। अगली स्ट्रीम में मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सवाल करवाने जा रहा हूं आपको। तो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, मैं बेटा इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूं, आपको वापस मेरे इसी चैनल पे आना है। एक अगली स्ट्रीम है बेटा जो ड्यू थी 6:30 बजे, हम बेटा थोड़ा सा लेट है उसको, आप उसको ज्वाइन करें। मैं उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं सीए इंटर के लिए, वो खत्म करूंगा, फिर बेटा मैं ओल्ड कोर्स पे आऊंगा। तो मैं इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूं, अगली स्ट्रीम